आज सुबह से ही 2 से 3 लोगों ने मैसेज के माध्यम से ये बताया था कि उनको विड्रो जो है वो रिसीव हुआ है क्रिप्टो वॉलेट पर। तो अभी तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया, अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रिप्टो जो विड्रो था वो रिसीव हुआ है, और ये अगर होना शुरू हुआ है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अगर आना शुरू हुआ है तो, क्योंकि ये जो पेमेंट मर्चेंट है ये अभी मल्टीपल प्रोसेसर के साथ काम कर रहा है, और इस पर प्रॉब्लम आना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि इस पर अगर हम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पेमेंट्स करें, जैसे हमें रूल्स लास्ट टाइम बताया गया कि दिन में 24 घंटे के अंदर एक कार्ड से आप 2 पेमेंट करिए, ये अगर रूल हम फॉलो करते हैं तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम इस प्रोसेसर में नहीं आएगा, इस गेटवे में नहीं आएगा। हम इसका ध्यान रखें और जल्दबाजी ना करें पेमेंट करने में, और जिनको भी विड्रो लेना है बेसिकली, जो जिनका ये सोच है अभी तक कि हम लगाएंगे कि नहीं, तो आप लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि उनका विड्रो जो था वो 10 सितंबर के बाद का था विड्रो, और आज अगर रिसीव हुआ है तो इसका मतलब धीरे धीरे जिनका भी विड्रोल है वो रिसीव होने वाला है। लेकिन कंपनी की तरफ से जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, तो ये एक हो सकता है कि कंफ्यूजन हमारे बीच रह जाए कि विड्रो आया कि नहीं। ओके, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अभी चीजें हो रहा है, जैसे आज सर ने लास्ट टाइम बताया कि हम विड्रो को रिलीज करना शुरू करेंगे, और बल्क सिस्टम से हम करना चाहते हैं एक साथ सारे जो विड्रोल्स है, जैसे क्रिप्टो का, बैंक्स का। तो अगर बल्क वे से नहीं होता है, या फिर बल्क रिलीज नहीं होता है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे डेट बाय डेट रिलीज करने का सोचा जा रहा है, और धीरे धीरे अगर सोचा जा रहा है तो ये बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि मान लीजिए एक डेट पर कितना विड्रो लगता है, 2, 4, 10, 15, 20 या फिर 1,000। ओके, तो इसको रिलीज करना बहुत ही आसान होगा, और तब तक हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है ये धीरे धीरे अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ाएगा। ओके, और हम अभी 2 पेमेंट मान लीजिए कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप और भी ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे इसी प्रोसेसर के माध्यम से। तो ये पेमेंट रिलेटेड कुछ बातें हैं। ओके, तो अगर कोई आपको ये इन्फॉर्म करता है कि मुझे मिला है विड्रो, तो उसको जरूर पूछिए कि जरूर आपका कौन सा डेट का था विड्रो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आप अगर लगाना चाहते हैं विड्रो तो आप लगा सकते हैं, बैंक पर अगर लगाएंगे तो IFSC कोड से ज्यादा स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको और भी आसानी हो, और अगर क्रिप्टो पर लगाएंगे तो ERC20 जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो यूज करिए, ताकि आपको USDT पर अपना जो पैसा है, अपना कमीशन है, वो रिसीव हो जाए अपने वॉलेट पर। आप कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हैं जो आपको ट्रस्ट वॉलेट है। ओके, ट्रस्टेड जो वॉलेट है, यानी ये नहीं कि ट्रस्ट वॉलेट नाम का जो वॉलेट है क्रिप्टो में वो यूज करना है, ट्रस्टेड जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं क्रिप्टो के अंदर वो आप यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर और एक क्वेश्चन पैदा हो रहा था कुछ दिनों से, दिसंबर पढ़ने से पहले आज भी कुछ पोस्टेड हमने देखा, और कुछ लोग पूछ भी रहे कि सर दिसंबर का फर्स्ट जो डे था वहां पर ऐश बूम आने वाला था, सर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो उसका क्या हुआ? यहाँ पर हमें थोड़ा सा चीजों को ऐसे समझना है, लास्ट टाइम जब ऐश सर आए थे वहां पर बहुत सारी चीजें हिंट के रूप में और क्लेरिफिकेशन भी दिया है, जैसे नेक्स्ट क्या हम करने वाले हैं, और अभी हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है ये क्यों हो रहा है, और किसके लिए हम रुके हुए हैं इस प्रोसेस पर, इसी जगह पर क्यों रुके हुए हैं। एकमात्र कारण है पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट मर्चेंट, जिसके कारण हमें रुकना पड़ रहा है। ओके, और इसको बेसिकली बहुत ही जल्द हम रिकवर करने वाले हैं सारी चीजों को, और इसका ग्रोथ डे बाय डे हो रहा है। यहाँ पर डे बाय डे इसका जो एक वॉल्यूम है वो भी हम चेंज करते जा रहे हैं, और इसका ग्रोथ हो रहा है, ताकि बहुत ही जल्द जो है हम सारी चीजों को लाइन अप कर पाए, स्ट्रीम लाइन कर पाए, जैसे अपकमिंग प्रोडक्ट्स, पे आउट, पे इन जो हो रहा है वो स्मूथली। ओके, तो ये सारी चीजें अभी लाइन अप किया गया है। अभी आज सर जो लास्ट टाइम बताए हुए थे कि ट्रैफिक के रिगार्डिंग हम अनाउंसमेंट करने वाले। ओके, तो ट्रैफिक के रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट होगा, जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक का क्या होने वाला कैलकुलेशन, कुछ टाइम पहले कुछ
कुछ लोगों को दिख रहा था कुछ यूजर लिस्ट पर कि ये क्या है वो क्या है, ये क्या सच है या झूठ है। ओके, ये सारे कन्फ्यूशन को हम तब भी क्लियर कर पाएंगे जब हमारे बीच रियल जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, हमारे आसरा के अनाउंसमेंट करेंगे कि इस डेट से यानी वट एवर जो भी महीना होगा, जो भी टाइम होगा, इस टाइम पर हम रिलीज करेंगे अपना अपना ट्रैफिक जो है, इतना ट्रैफिक हमारे पास है, हम एक दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, वो पेड होगा अनपेड होगा वट एवर। लेकिन बहुत उम्मीद है और चीजें जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से आज सर ने ये प्रोसेस को अप्लाई किया है, इसके हिसाब से पेड ट्रैफिक सभी को मिलने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसी तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है। अगर अनपेड यानी फ्री यूजर देना होता तो कंपनी इतने दिन से ऐसे ही नहीं चुप बैठता, कंपनी दे चुका होता। ओके, लेकिन कंपनी कुछ और बेहतरीन प्लान कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को आने में टाइम लग रहा है। राइट, नेक्स्ट एज बूम जो है वो रिलीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एप्पल ने वहां पर जिस दिन ये बोला था कि हम एज बूम जो है वो दिसंबर के फर्स्ट आने वाला है, इसका अनाउंसमेंट करने वाला है, उस टाइम एक चीज तो ऐसा ने बताया था कि इसको हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। ओके, स्टेबलाइज हो रहा है ये, और ये हमारे कंट्रोल पर अभी है। थैंक यू सो मच सर, लाजवाब सुपर अपडेट देने के लिए। तो दोस्तों फाइनली बॉन्डर का जो विड्रो है, जो पेंडिंग में चल रहा था, वो शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी जो विड्रो है वो क्रिप्टो के माध्यम से ही हो रहा है, तो ये भी गुड न्यूज़ है दोस्तों। काफ़ी सारे फाउंडर ने क्रिप्टो में विड्रो लगाया था, तो वो इजीली विड्रो उनका सक्सेस हो रहा है। तो दोस्तों अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिस्त्रेस जो हैं कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो चीज़ें बन रही हैं उसको लेकर मिस्त्रेस कितने सीरियस हैं। तो बेटरों के लेकर वो दोस्तों काम चल रही है, लेकिन कमीशन को लेकर भी काम चल रहा है, और साथ ही साथ जो पेमेंट लोगों का कट हो रहा था उसको लेकर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर बैकन पे चल रहा है, और ये सारा का सारा स्मूथली इसी महीने में क्लियर हो जाएगा और अच्छे से वर्क सिस्टम करने लगेगा। और बिल्कुल भी फाउंडर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है फाउंडर के लाइफ सेट होने का। तो बाकी की जो फाउंडर जीरो फाउंडर घबरा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, दोस्तों जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, जैसे मिस्टर सोच रहे हैं वैसा होने वाला है, यानी कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को आगे से आगे टीम में अपने शेयर करना। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।